ये कम्युनिटी जो है सर न्यूटन की कम्युनिटी यहाँ पे जमा है। आज 6 सितंबर का भी प्रोग्राम हमने करना है और 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान की दिफा की तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील है। तो हम पाकिस्तानियों से यहाँ से कहेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, ओ मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, तू शाद रहे मेरा पाकिस्तान आबाद रहे, ओ मेरा पाकिस्तान आबाद रहे। दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपके लिए इस हफ्ते की सियासी और समाजी सरगर्मियों के साथ साथ 6 सितंबर का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन, 6 सितंबर को 6 सितंबर 1965 को हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसकी यौम दिफा उस दिन को हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं, और इसलिए कि हमने अपने मुल्क का जवां मर्दी से दिफा किया। और नाज़रीन, हम इसी के साथ साथ जब हमें वो इन चीज़ें याद आती हैं अपने वतन पाकिस्तान की, तो दिल करता है कि कुछ लिखा भी जाए। तो नाज़रीन, मैंने इस पे पहले मैं आपको एक अपनी शायरी सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हम वतन जान इसार करते हैं, वतन अपने से प्यार करते हैं, तुझे आज़ाद हम सदा देखें, तेरी मिट्टी से प्यार करते हैं, पहाड़ तेरे फलक बोस ऊँचे, अपने रब की सना ये करते हैं, तेरे दरिया सदा से बहते हुए, तेरी मिट्टी सराब करते हैं, सलाम तेरे उन नौजवानों को जान जो अपनी निसार करते हैं, हुक्मरान हों मिस्र उम्र जैसे उस हुकूमत को याद करते हैं, रहें आज़ाद हम सदा के लिए, अपने रब से दुआ ये करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद इस हफ्ते का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तानी कौम की ज़िंदगी में एक अहम संग मील है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने मुल्क के दिफा को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से काबिल न तस्खीर बना दिया। नाज़रीन, हमें आज़ाद कौमों की तरह जीने के लिए हर वक्त अपने दिफा से गाफिल नहीं रहना चाहिए। इसी तरह का वाक़ा अभी 2 साल पहले हुआ, जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के 2 तैयारे मार गिराए गए। और इस वाक़े की याद में मैंने एक किताब लिखा, और वो उसमें हमारे मुल्क के उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दीं और गाजी भी बने। तो कुछ इस तरह से है, आलम में हैं लर्जा दुश्मन भी हमारे, आलम में हैं लर्जा दुश्मन भी हमारे, एक वार में मारे हैं इनके तैयारे, शाहिद हैं और गाजी हैं, मोमन हैं हमारे, कदीर हो सिद्दीकी हो मिनहास हो सारे। नाज़रीन, इसमें हमने अपने उन शहदा का और उन कौमी हीरो का जिक्र किया है जो कि हम वक्त पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हर तरह की जंग लड़ते रहते हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस हफ्ते का प्रोग्राम 6 सितंबर का प्रोग्राम कौमी नगमों पर मबनी प्रोग्राम होगा। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरह आज़ाद रहे और हम इसी तरह अपने मुल्क में अमन व आतशी के लिए कोशिशें करते रहे हैं। हम ये भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान ख़ास तौर पर अपने आप को सेल्फ गवर्निंग के लिए वहाँ की लोकल बॉडीज़ को के इंतखाबात करवाए और वहाँ के लोगों को जो है वो उनको आज़ादी से अपने फैसले करने का मौका दे। तो हमें वहाँ पे सैलाब और बारिशों और
कुदरती आफात से बचने के लिए हम अपने जो वसाइल हैं उनको प्रयोगकार लाएं। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Dil Apna Pakistan. नाज़रीन, वैंकूवर की सियासी और समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। कनाडा की सियासी और समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, वो इसलिए कि बहुत ज़रूरी है कि जब हम वोट देंगे तो हमारी प्रेजेंस फील होगी। आप किसी भी पार्टी को दें और जिसके पार्टी के प्रोग्राम पे आप समझते हैं कि वो एक अच्छा आपकी आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको जो यहाँ के जो वसाइल हैं उनमें आपको हिस्सा देगी, आप ज़रूर उनको वोट दीजिए और कोशिश करें कि वो आपकी जो आपकी जो पर्सनल रिलीजियस वैल्यूज हैं उन पे वो अटैक ना करें। लेट देम हैव देयर ओन रिलीजन, ओन वैल्यूज, बट दे शुड नॉट इम्प्लीमेंट मी देयर वैल्यूज। बीइंग अ कैनेडियन, आई हैव माय ओन वैल्यूज एंड आई वांट टू स्टिक टू इट, नंबर वन। नंबर टू, आई हैव विद मी सुख धालीवाल। He has pointed out that Liberal Party of Canada is working on Islamophobia bill. Hopefully, if we win this vote, Canadian win this vote, in Canada, multiculturalism will prosper and the values of the people and the protection of the people will be imminent, and we need our protection in Canada. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी इज हियर न्यूटन एरिया में सुख धालीवाल की सपोर्ट के लिए। ये मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी सारे मिल मिला के यहाँ पे जमा है और ये बहुत अच्छा गेस्चर है कि सुख धालीवाल की जो सपोर्ट इतने अरसे से यहाँ पे हो रही है और सब लोग फिर चाहते हैं कि ये लिबरल गवर्नमेंट ही आए यहाँ पे, वो इसलिए कि यहाँ पे जो आवाम जो माइनॉरिटी की मल्टी कल्चरल लोगों की जो सपोर्ट है वो लिबरल गवर्नमेंट से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो होपफुली आपको जिसे भी वोट देना चाहें लेकिन ये बात ध्यान में रखें। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। मेरे साथ सुख धालीवाल है, ये कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगे दो मिनट के लिए? शुरू जी, पहले तो मिस्टर खान का साजन सारे फ्रेंड्स जिन्हें भी अच्छ कट्ठे हुए थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जरा इन्ना देर तो प्यार दे रहे हो तो प्यार का सदका जोड़ा है, आई एम ऑलवेज इंस्पायर, मैं ये कहना। और दूसरा इन्होंने किया है भी जो असं सनी न्यूटन की गल करते हैं, एक वो कम्यूनिटी हैगी है जिते लिबरल पार्टी चाहे वह मल्टीकल्चरल पॉलिसीज हो चाहे वह सोशल जस्टिस पॉलिसीज हो, हमेशा इतने बैटर वर्क कर रही हैं। जिन्हें कैनेडा चाइल्ड बेनीफिट की मैं हम तो पहला गल कर रहा, 100 मिलियन डॉलर पिछले साल सनी न्यूटन के कैनेडा चाइल्ड बेनीफिट आया और अच्छ जो देख रहे हैं कंजर्टे वाले की कहते हैं जी असी आए इनू हटा देंगे। अज असी बच्चे जोड़े लोड़ आ इस वे उस पैसे की फैमिली उन्होंने को लैके कहने अमीर क्योंकि असं सारे इको जहाँ चेक देवे, अगे हों ही रहा। और उस तो बाद लो इंफ्रास्ट्रक्चर सरी के कोई कसर नहीं छी, चाहे वह स्काई ट्रेन की गल कर लिए, साउथ फ्रेज पैरीमीटर हाईवे 10176 ऑल दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मनी भी इतने ही पाए। और टैक्स घटाने की गल कर आम साधारण इंसान है जोड़ा वो टैक्स जोड़े उन्होंने लिबरल पार्टी ने थले लैके आता, टॉप 1% जो रहीस लोग उन्होंने जोड़ा वा वो उत्ते लैके गए वो टैक्स। तो कंजर्टे की पॉलिसी वेरी क्लीयर हैगी और ये देखो बाकी तो तुम सारे भरा है भैन मेरिया जड़िया सुन भी रही, तुम मैं अज तक ये नहीं कदे होगा भी सुख धालीवाल चुनिया नुमाइंदा है सी या नहीं सी। पहले दिन तो ही इस कम्यूनिटी के नाम मोटे ना मोटा ला के चुनते हुए हैं और रहना, बाकी कैंडीडेट इलेक्शन टाइम आते हैं मुड़ के चले जाते हैं और मुड़ के दिखते नहीं। चलो दस, वेरी गुड। सुख साहब ने बहुत अच्छी गल की है कि बाकी कैंडीडेट आवाम के नहीं शामिल होंगे, ये हमेशा आवाम के होंगे, इन्हों का ऑफिस खुला हों जो भी ये अवेलेबल होंगे सारे का काम करते हैं, विच इज़ वेरी गुड रिगार्डलैस। तो जिन्होंने वोट देने हैं
वो अपने वोट नूं सही तरीके नाल कास्ट करन एंड हर पार्टी की जिहड़ी आ उहदे प्लान नूं देखण ते उहनां दीआं पास जिहड़ीआं सपोर्ट जिहड़ी आ गलत गल करदे आ मल्टीकल्चरल लोकां वास्ते देखो एक मैं बड़ा होर मसला कहना चाहूँ मैं एक दिन एक टीवी शो किसी ने मैं भेजी मैं क्लिप देख रहा और जो टीवी शो के होस्ट से वो कह रहे मैं हूँ पता लग्या भी इस्लामोफोबिया जो है एक रियालिटी है वो हूँ कह रहे हैं मैं हूँ पता लग्या जदों इकरा खान लैजिस्लेशन 103 लैके आई M-103 उन्होंने कहा अस उस वे भी इस्लामोफोबिया हैगा और ये सानू निजिठना पैना वो लिबरल पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो ने कल कल मैंबर ने इंकलूडिंग मेरे भाई साहब असी वो इकरा खान के बिल सपोर्ट किया और यही कंजरवेटिव पार्टी का जोड़ा वो टू लीडर ने इन्होंने भी वो उल्ट वोट पाई सारे कंजरवेटिव मैंबर ने एक्सैप्ट माइकल चोंग जिन्होंने मैं क्रैडिट देना उदों बिना एक भी कंजरवेटिव नहीं सी जिन्हें जोड़ा सी M-103 सपोर्ट किया और जिन्हें ये रियलाइज किया कि इस्लामोफोबिया है और रियालिटी है और असं ये निकलना सो ये क्लीयर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए आ रिपोर्टर जी भी जो कहते हैं और जो कैंडीडेट्स ने भी कितने आता लीडर कितने उद्देश्य थैंक यू इन कैनेडा मल्टीकल्चरलिज्म विल प्रॉस्पर्स एंड द वैल्यूज ऑफ द पीपल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल विल बी इमिनेंट एंड वी नीड आवर प्रोटेक्शन इन कैनेडा सो नाज़रीन आइए हम अपना एक नगमा सुनते हैं गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये जहां हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है ये अहद हमारा है कुछ करके दिखाना है तालीम की दौलत को घर घर फैलाना है मंदी सियासत को हैवा से भगाना है मुल्की लुटेरों को अब सबक सिखाना है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है ये जान हमारी है तामीर वतन अपनी तरजी हमारी है अब राह तरक्की पे नजरे हमारी है घर से जो हम निकले ये अजमल ये सारे औलाद के मानद है शीशे से भी भारी है दिल अपना पाकिस्तान ये जान हमारी है ये शान हमारी है ये आन हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये माँ हमारी है हमें जान से प्यारी है अदल मदीना हो इंसाफ कजीना हो नेकी हो अमल अपना यही राह हमारी है गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है ये
ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। ये माँ हमारी है, हम जान से प्यारी है। जी नाज़रीन, आपको कैसा लगा ये नगमा? उम्मीद है आपको 6 सितंबर की विरासत से ये नगमा आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं आपको एक नगमा सुनाता हूँ, जीवे 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 मेरा प्यारा पाकिस्तान। ये तारिक रॉबी ने, जो ऑटोवा के सिंगर हैं, कैनेडियन सिंगर हैं, इन्होंने गाया है, बड़े दिल से गाया है। आइए ये नगमा सुनते हैं। जीवे जीवे मेरा सोना पाकिस्तान, कुर्बान इस पे दिल मेरा और बारी मेरी जान। जीवे 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 मेरा सोना पाकिस्तान, कुर्बान इस पे दिल मेरा और बारी मेरी जान। जीवे पाकिस्तान मेरा सोना पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक और नगमा जो कि हम पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत अरसा पहले गाया गया, हम वो नगमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। तो ये नगमा आप सुनिए, देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे हो हालात शादमान है हम। नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, जो कि यहाँ पे 6 सितंबर की भी तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं हम यहाँ पे अमीन साहब के घर पे। और हम लोग ये चाहेंगे कि अमीन साहब से पहले पूछें क्यों मनाते हैं और इसकी याद में हम क्या कुछ कर सकते हैं। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया और दिल अपना पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए भी हर जगह पहुंच जाते हैं और अपना टाइम निकालते हैं। तो 6 सितंबर जो है, देखें जी, हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए हर वो दिन और हर वो शहीद और हर वो मुजाहिद
इतना ही अजीज है जितना हमारे अपने माँ बाप या अपने बच्चे या आपकी फैमिली है माशाल्लाह। क्योंकि ये शहदा जो शहीद हुए हैं वो हैं तो आज हम आज़ाद हैं और उनकी कुर्बानियों की वजह से हैं। तो इसलिए इस खुशी में जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त मनाया इसी तरह ये दिफाए पाकिस्तान हाँ जी या तो बस ये सारे यार दोस्त इकट्ठे हुए हैं खाना पीना चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फौज के लिए आप बहुत अच्छे कलमात कहे और हम उन लंडे के लिबरल्स को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई गई तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे कनाडा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैंड पंप नंबर 647 जो लेट मियां इम्तियाज अहमद की तरफ से और वी के आर रिलीफ कनाडा की मार्फत से ये पानी का आतिया अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और जिन फैमिलियों के लिए दिया गया है सामने ये उन लोगों के घर हैं। तकरीबन 3 फैमिलियाँ इधर राजपदीर हैं। ये मुफलिस लोग जिन तक ये आपकी अमानत पहुंचा दी गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके एहतियात को अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और आपके लिए ये सदका जारिया हो। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और ये लाइन लाई गई है यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैंड पंप नंबर 648 जो लेट कनीस बानो की तरफ से वी के रिलीफ कनाडा की मार्फत से दिया गया है ये हैंड पंप। माशाल्लाह इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और ये जिस मरहूम के तरफ से ये अतिया दिया गया है जिन फैमिलियों के लिए ये उन लोगों के घरों के मनाजिर हैं ये और बिल्कुल कच्चे मकानों में रहने वाले लोग। ये जो है सामने ये इधर खड्डा है यहाँ से पहले ये लोग पानी भरते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से इनके घरों में मीठे और साफ़ पानी का इंतजाम किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके एहतियात को कबूल मंजूर फरमाए। ये लाइन लाई गई है।